हेलो दोस्तों, एडगो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग इस व्हीकल ब्लैक बॉक्स या रियर व्यू कैमरा की, जो अनब्रांडेड है लेकिन काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ साथ उसकी फिटिंग भी हम लोग करने वाले हैं। ये देखिए, इस प्रकार का ये जो आपका एग्जिस्टिंग मिरर होता है उसके ऊपर ये मिरर लगाना है। इसमें आपको एक मिरर भी मिलेगा, फिर इसके साथ आपको एक 4:3 रेशियो की स्क्रीन भी मिलेगी जहाँ पे आपको फ्रंट एंड रियर व्यू मिलेगा। एक फ्रंट कैमरा भी इसके साथ है। ये देखिए, ये इसके रबर क्लैंप्स हैं। ये देखिए चार्जर, ये हो गई उसकी वायर जो कैमरे के पास लेके जानी है हमें मेन डिवाइस से। ये देखिए, ये है रियर व्यू कैमरा एक्चुअली, जो मैं आपको डेमो के वक्त डिटेल में दिखाऊंगा। और ये है मैनुअल, देखिए थोड़ा चाइनीज में है लेकिन ठीक है। बस ये कुछ स्पेसिफिकेशंस इसके हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसकी काफ़ी अच्छी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, जब भी आप गाड़ी रिवर्स में लेते हैं और आपको बीच में का पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है, तब ये देखिए इसको फिटिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, जो क्लैंप्स मिली हैं हमें रबर के दो, उनको लेना है दोस्तों। ये देखिए, सिर्फ ये जो एग्जिस्टिंग आपका मिरर है इसके ऊपर आपको सिर्फ इस मिरर को रखना है और क्लैंप्स को लगा देना है, बस दोनों तरफ से। ये देखिए, ये हो गया इस साइड से और ये क्लैंप हम लगाएंगे इस साइड से। ये देखिए, ये तो हमारा इनिशियल फिटिंग हो गया दोस्तों। फिर इसमें एक चार्जर आता है दोस्तों, इसमें इंटरनल एक बैटरी होती है जो चार्ज होती है दोस्तों। एक ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है, जो कंटिन्यूस आप जब ट्रेवल करते हो तो आगे की फ्रंट वीडियो आपकी रिकॉर्ड करता रहेगा, और जिससे कि आपको किसी एक्सीडेंटल या इमरजेंसी सिचुएशन में ये फुटेज आपको काम आ सकती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये फुटेज हो सकती है। तो ये 2-in-1 है दोस्तों, रियर व्यू कैमरा एज वेल एज फ्रंट व्यू डैश कैम रिकॉर्डर जो कहते हैं। अभी मैंने इस वायर को चार्जिंग में लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी 4:3 की स्क्रीन यहाँ पे हमें इसी मिरर में दिखाई दे रही है। अभी तो मेनू इसका दोस्तों चाइनीज़ में है, मैं ट्राई करता हूँ इसका मेनू चेंज करने के लिए। और डेट, सबसे पहले डेट और टाइम जो है यहाँ पे हमें सेट करनी होगी दोस्तों। आज की डेट यहाँ पे डलवा देता हूँ इसी फॉर्मेट में, क्योंकि नंबर तो चाइनीज नहीं होंगे, नंबर तो इंग्लिश ही होंगे। तो हम देखते हैं, ये देखिए हमारी डेट आ गई 2017, ये देखिए 2018 ये महीना हमारा हम डालेंगे मंथ, और ये देखिए ये डेट की सेटिंग हम कर देंगे जो कि ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी सिस्टम में जब तक कि बैटरी अंदर की काम कर रही है इस डिवाइस में दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों, बिठाने के लिए आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हार्डली आपको ये देखिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ आपको ये वायर हाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों, रियर कैमरा फिटिंग वो भी दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप अच्छी तरीके से सीखें और देखें और इस टेक्निक को आप समझें तो दोस्तों इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप समझने की कोशिश ना करें तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट ऐसा आपको लग सकता है दोस्तों। ये देखिए, मैं यहाँ पे अभी लैंग्वेज का ऑप्शन सर्च करने जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, हमें फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। डिफ़ॉल्ट कोई चाइनीज़ लैंग्वेज थी, अनब्रांडेड है दोस्तों। देखेंगे इसका हमें परफॉर्मेंस कैसा मिलता है, आपको कमेंट में मैं ज़रूर बताऊँगा कि इसका लॉन्ग टर्म में मुझे कितना परफॉर्मेंस मिला। ये देखिए, इसका जो मेनू है दोस्तों, मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि ये मेनू कैसे यूज़ करना है और कैसे कैसे इसमें क्या क्या काम होते हैं दोस्तों। तो ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि हमें ये इंग्लिश में मेनू मिल गया है। यहाँ पे बीप साउंड यहाँ पे एक है, उसे मैं ऑफ कर देता हूँ, और ऑटो पावर ऑफ जो है 3 मिनट का हम लोग कर देते हैं इसे। ये है कार्ड फॉर्मेटिंग दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक बटन है दोस्तों जो कि
प्रेस करने के बाद ये देखिए ये बटन्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पहला वाला बटन है, ये पावर ऑन ऑफ, दूसरा वाला कैमरा स्विचिंग, तीसरा जो है सेटिंग्स का, चौथा और पांचवा जो है अप एंड डाउन स्क्रोलिंग, और लास्ट ओके बटन है। ये देखिए ये एक्चुअल कैमरा है दोस्तों, अभी मैंने इसे यहाँ पे खोला है। इस प्रकार की पिन इसके साथ में मिलती है हमें, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये दूसरी पिन है दोस्तों जो कि उस कैमरा से हमारे इस रियर व्यू मिरर में जाएगी दोस्तों। ये देखिए बहुत लंबी होती है केबल, लगभग 3 मीटर के आसपास, 3 से 4 मीटर के आसपास ये केबल होती है दोस्तों। इसके एंड में ये देखिए ये कैमरा यहाँ पे हमें इस तरीके से पीछे ले जा करके कनेक्ट करना होता है, और ये रेड वायर जो होती है वो आपको जो रिवर्स गियर का, जब भी आप रिवर्स गियर डालेंगे तो एक लाइट जलेगी, उस लाइट के पॉजिटिव का आपको इसका कनेक्शन देना होता है। कई कैमरे ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कनेक्शन देना होता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें फिक्स करने के लिए कोई ड्रिल मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। जो स्क्रूज होते हैं इस प्लास्टिक में बहुत ही आराम से अंदर जाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर लगाने की ज़रूरत होती है, प्रेशर से दबा करके अगर आप घुमाएंगे तो आराम से जाएंगे। ये देखिए ये जो वायर मैंने ली है दोस्तों, मैं इस साइड से यहाँ पे इसे की, ये आपको कहीं पे हार्डवेयर में मिल जाएगी, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वायर आपको लेनी है और यहाँ से अंदर पुश करनी है ताकि वो जो वायर है हमारी कैमरा की रिवर्स लगाने वाली वो निकालने में हमें आसानी पड़े। ये देखिए ये पीछे का राइट साइड का जो है, ये पीछे का ये लाइट है दोस्तों। ये देखिए ये वायर नीचे यहाँ पे हमें दिख रही है, फिर उसी प्रकार की दूसरी वायर और हुक बना करके मैं हम लोग उस वायर को ऊपर खींचेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई है दोस्तों, ये देखिए आप देख सकते हैं। फिर ये जो वायर है वो हैवी गेज की वायर है, उसको ये हमारे कैमरा वायर उसमें बांध देनी है अच्छी तरीके से, स्ट्रेट, आड़ी टेढ़ी नहीं बांधनी है दोस्तों, स्ट्रेट बांध देनी है अच्छी तरीके से और नीचे से खींचना है ताकि सीधे उस कैमरा लोकेशन तक हमारी वायर जो है बाहर आ सके। ये देखिए हमने इस प्रकार से इसे बांध दिया है दोस्तों। बांधने के बाद इसे नीचे से खींचना होगा और वायर नीचे कैमरा ड्रिल करके, ये प्लास्टिक आता है दोस्तों, एक टू वे टेप आती है, ये देखिए ये स्क्रू को इस प्रकार से पकड़ लेना है और पीछे से स्क्रू ड्राइवर से इसे जस्ट घुमाते हुए प्रेशर में घुमाना है दोस्तों, प्रेशर में घुमाना है, आराम से चले जाते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी होता है। आप कोई ड्रिल वगैरह मत कीजिए। देखिए मैंने बहुत ही हार्डली 5 मिनट में मैंने ये फिक्स कर दिया है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं। अभी इस वायर को सिर्फ हाइड करना है ताकि बाहर से ना दिखे, अच्छी तरीके से ये पिन्स को दोनों को कनेक्ट करना है और फिर ये देखिए ऊपर से हमारी वायर यहाँ पे नीचे आ गई है साइड से। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और हर एक गाड़ी, अगर आपके कोई, ये तो महिंद्रा की KUV100 गाड़ी है, आपके पास कोई दूसरी हो तो भी कम ज़्यादा पैमाने पे इसी प्रकार की सेटिंग होती है, इसी प्रकार से अंदर से इस वायर को सिर्फ हाइड करने की ज़रूरत होती है दोस्तों, और काफ़ी मात्रा में सभी चीज़ें लगभग सेम होती है। ये देखिए इस वायर को अच्छी तरीके से फिक्स करना है और ऊपर खींच देना है दोस्तों। ये देखिए अब हम ऊपर आ गए, वायर तो लगभग यहाँ तक हमारी आ गई दोस्तों। अभी सबसे पहले इस वायर को, ये जो रेड वायर है, इस वायर को हम लोग रिवर्स गियर में, पहले क्या करना है आपको गाड़ी ऑन स्विच ऑन मोड में लेनी है, फिर रिवर्स गियर डालना है और देखना है कि कौन सी लाइट जल रही है। फिर जो लाइट जल रही है उसकी ब्लैक छोड़ के, वहाँ पे 2 वायर्स होंगी, ब्लैक और कोई दूसरा होगा, यहाँ पे हमारा ग्रीन है, तो उस ग्रीन वायर को थोड़ा सा ब्लेड से स्लाइड कट देना है दोस्तों आड़ा, और ऊपर की जो है कवरिंग इंसुलेशन निकालनी है दोस्तों। वायर को कट नहीं करना है, सिर्फ इंसुलेशन निकालना है, ध्यान रखिए दोस्तों, वायर को कट नहीं करना है, इंसुलेशन निकालना है ताकि वायर इंटैक्ट रहे। और इस तरीके से ये देखिए इंटेक्ट निकाल करके इसको यहाँ से बांध देना है इस वायर को, इस रेड वायर को, ताकि हमारा कैमरा का जो पॉजिटिव कनेक्शन है वो कैमरा को मिल गया और कैमरा जब भी हम रिवर्स गियर में डालेंगे तो उसे पावर सप्लाई कैमरा को मिलती रहेगी। ये देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, उसके बाद में इस पट्टी के अंदर से वायर को मैंने लिया है, फिर ये जो पट्टी है इसके नीचे से अंदर सरकाया है उस वायर को, धीरे धीरे करके
और ऐसे ही इस नीचे के फुटबोर्ड की साइड से मैंने इस वायर को आगे तक मैं लेके गया हूँ दोस्तों। ये आगे का सीट है दोस्तों, ये देखिए ये आगे का सीट है। यहाँ से सिर्फ इसके नीचे से मैंने इस वायर को धकेला है, पुश किया है और वायर को ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से ऊपर लेना है दोस्तों। फिर यहाँ पर भी दोस्तों इस साइड से ऊपर लेने के लिए वही वायर, वो जो हैवी वायर आपने देखी थी उस वायर का इस्तेमाल करना है। ये दोस्तों चार्जर की वायर है, इसको भी यहीं से लेना है दोस्तों। थोड़ी सी हाइड करनी है नीचे अंदर इस डैशबोर्ड के पीछे से, थोड़ी हाइड करनी है वायर को, बस दोस्तों हो गया। और दोनों वायर्स को यहाँ से ऊपर निकालना है, वही टेक्निक पहले वाली दोस्तों, जहाँ से एक बड़ी वाली जो स्ट्रॉन्ग तार होती है उसको ऊपर से नीचे डालना है, फिर उसका हुक बनाना है और नीचे से दोनों वायर्स को ऊपर खींचना है। तो यहाँ तक वायर्स इस प्रकार से आ जाएंगे। फिर इसके बाद ये देखिए ये जो कुशन होता है ऊपर का दोस्तों, इसकी साइड में एक पट्टी होती है जो हॉलो होती है, गैप होता है वहाँ पे, उसमें आपको पूरी वायर, दोनों वायर्स को सरकाना है अंदर और सीधे ले जाके ये जो कनेक्शन है, जहाँ पे पावर सप्लाई का कनेक्शन है और जहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिवर्स कैमरा का कनेक्शन है, दोनों जोड़ देना है। और इसमें दोस्तों एक SD कार्ड का कनेक्शन आता है, जहाँ पे आपके फ्रंट कैमरा में जब आपका वीडियो, आप गाड़ी चालू करेंगे तो वीडियो रिकॉर्ड होते जाता है, उसके लिए आपको SD कार्ड की ज़रूरत होती है। ये देखिए हमारा दोस्तों, जब भी हम चाबी ऑन करते हैं, ये देखिए ये हमारी आगे की स्क्रीन दिख रही है और छोटे से कोने में ऊपर आपको PIP मोड में, ये देखिए ऊपर PIP मोड में आपको पीछे की स्क्रीन भी दिख रही है। जब भी यहाँ पे हम रिवर्स गियर डालेंगे दोस्तों, जब भी हम, हमारा सेटिंग पूरा हो गया है दोस्तों, जब भी हम रिवर्स गियर डालेंगे तो पूरी स्क्रीन पे हमें पीछे का वीडियो दिखाई देगा दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पे हम कैमरा मोड चेंज भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, मैं सिर्फ करके देख रहा हूँ दोस्तों। अभी हम रिवर्स गियर डालेंगे दोस्तों, चाबी को थोड़ा सा ऑन मोड, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमारा कैमरा फिक्सिंग अच्छी तरीके से हो गया है दोस्तों। ये देखिए आप देख सकते हैं, स्टॉप का मतलब एक कैमरा को आपको एडजस्ट करना है दोस्तों, जितना लंबा दूर आपको, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कैमरा को कर सकते हैं। ये देखिए, और इस चार्जर को आप जब तक बैटरी ऊपर की चार्ज ना हो उसे ही चार्ज करते रहना है दोस्तों। ये देखिए जब भी आप रिवर्स गियर डालेंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको रिवर्स मिल जाएगा। और SD कार्ड डालना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपका जो रिकॉर्डिंग है, आप जब भी ड्राइविंग कर रहे हैं, फिर यहाँ पे मोशन जो है, मोशन सेंसर होते हैं, सेंस आपको उस सेटिंग में ऑन करना है दोस्तों, मैं आगे आपको मेनू में दिखा दूंगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 100% इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। फिर भी इसको कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही हल्का काम होता है, बहुत संभल के करना पड़ता है। प्लास्टिक कंपोनेंट्स आपको हर एक गाड़ी के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट नट बोल्ट से फिट किए हुए नहीं होते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से फिट किए हुए होते हैं, ऊपर से सिर्फ आपको खींचना पड़ता है। एक आध सिचुएशन में एक या दो आपको हो सकते हैं दोस्तों वहाँ पे स्क्रूज वगैरह। ये देखिए ये साइक्लिक रिकॉर्ड है, 1 मिनट का मेनू देखेंगे यहाँ पे, फिर 1 मिनट, 3 मिनट जो भी आप रख सकते हैं रिकॉर्डिंग, जब भी आपका मोशन सेंस करेगा तो कितनी देर तक रिकॉर्ड करना है। ये देखिए वाइट बैलेंस, इसमें इसे हमने टच नहीं करना है दोस्तों, और एक्सपोजर ये जो एक्जिस्टिंग है वो बहुत अच्छा है। ये देखिए मोशन डिटेक्शन आपको ऑन करना है दोस्तों, ताकि जब भी गाड़ी मोशन में हो आपका कैमरा जो है रिकॉर्ड करे। इसके लिए SD कार्ड डालना ना भूलें दोस्तों, SD कार्ड आपको ध्यान से डालना है। फिर रिकॉर्डिंग, ये देखिए ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको इसको अनचेक कर सकते हैं, अभी मैंने चेक कर दिया है। डेट स्टैम्प अगर आपको वीडियो में नहीं चाहिए तो भी आप अनचेक कर सकते हैं या रख सकते हैं। बीप साउंड, जो साउंड आपको यहाँ पे ऑपरेट करते वक्त बीप साउंड सुनाई देगी, उसके लिए आपको ये बटन है। फिर डेट टाइम की सेटिंग है, ऑटो पावर ऑन ऑफ है, जो कि लैंग्वेज है दोस्तों, बहुत सारे लैंग्वेज ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं देखिए, लेकिन यहाँ पे हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए दोस्तों कोई बात, दिक्कत नहीं है हिंदी की। ये फ्रीक्वेंसी किस लिए यूज़ होती है मुझे पता नहीं दोस्तों। स्क्रीन सेवर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑटो ऑफ अगर आपको होगा तो स्क्रीन सेवर की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट है SD कार्ड दोस्तों, फॉर्मेट। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे लिखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।